हेलो दोस्तों, डिजिटल इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरी जानकारी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, बिना जानकारी से इन्वेस्टमेंट मत करना, जिससे आपको लॉस होने का खतरा रहता है। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे स्टॉक का हम एनालाइज करेंगे, उसका बिजनेस मॉडल देंगे, उसने पिछले सालों में क्या किया पूरा एनालाइज करेंगे, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट हो जाए। दोस्तों, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड, आनंद राठी वेल्थ टीम का जो आईपीओ आया था 2021 में, इसका आईपीओ आया था उस टाइम। दोस्तों, जो आईपीओ आया था उसके बाद देखते हैं इसने क्या किया। जो पहले कंपनी देख लेते हैं क्या करती है। कंपनी एक म्यूचुअल फंड का वितरण करती है। उसके बाद ये जो कंपनी है, भारत के गैर बैंक फार्मों से एक है, जो म्यूचुअल फंड में तीन बैंकों में आती है, सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है ये। उसके बाद जो डिजिटल धन खंड, देखो इसके जो क्लाइंट है वो बढ़ती जा रही है। जैसे 2019 में क्लाइंट थे 18,037 करोड़ थे, तो 2021 में 29,472 हो गए। तो ये बढ़ती जा रही है, इसके क्लाइंट ऋण भी देती है, सलाहकार देती है, निजी धन प्रवण, देखो धन भी दे, ये धन ऋण भी दे रही है, कर्जा भी दे रही है, निवेश बैंकिंग निवेश भी करवा रही है। ये बहुत तरीके से अपना पैसा इकट्ठा कर रही है, मतलब कंपनी। उसके बाद म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्टमेंट भी करती है और म्यूचुअल फंड का वितरण भी करती है। इस तरह से बिजनेस करती रहती है कंपनी, जिससे इसकी ग्रोथ भी हो रही है कंपनी की। जिसका हम मार्टी कैप्चर देखें, 2,959 करोड़ का मार्टी कैप्चर है, और जो स्टॉक भी है 19.8, जिसकी बुक वैल्यू है 96.3, जो आरओसी देखो आरओसी कितनी अच्छी है 50.5, जो आरओई है 43.3। जिसके बाद इसका डिविडेंड देखिए, डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है कंपनी, 1.55 का डिविडेंड दे रही है, और जो फेस वैल्यू है इसके 5। जो हम सेल ग्रोथ देखें 3 साल की 15%, और प्रॉफिट ग्रोथ देखें 3 साल का 29। जो हम इसका सीजीआर का भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। जो इसके पास रिजर्व देखो, पैसा भी अच्छा कंपनी के पास है, 381 करोड़ का पैसा है अभी कंपनी के पास। जो बोरिंग है ओनली मात्र 35 करोड़ का इसके पास बोरिंग है, कर्जा है जो इसने पैसा हमेशा जो कर्जा है हमेशा घटाया है, जो पैसा है हमेशा बढ़ाया है। देखो कितने साल से रिकॉर्ड दिख रहा है, जो कर्जा इसने हमेशा कम कम करती गई है, और उसके बाद जो पैसा है पैसा हमेशा बढ़ाती चली जा रही है कंपनी। इसलिए कंपनी की तरफ बहुत ही अच्छा अटैक हो रहा है सभी का, इन्वेस्टरों का। जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 48.754 का, जो एफएल की होल्डिंग है 0.84 का, जो डीएल के पास होल्डिंग 11.41 का, और जो 01 का। और जो इसका क्वार्टर रिजल्ट देखें, सेल का जून में 132 करोड़ थी, और जो वही सितंबर में 136 करोड़ हुई है। जिसने देखो सेल भी हमेशा बढ़ाई है, ये नहीं है कि सेल भी हमेशा बढ़ाता जा रहा है ये स्टॉक। जो नेट प्रॉफिट देखें, जून का 40 करोड़ था, वही फिर सितंबर का 43 करोड़। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी हर पर बढ़ा ही रही है जो देखा जाए तो। उसके बाद अगर हम साल का देखें, 2021 में 273 करोड़ की सेल हुई थी कंपनी की, वही 2022 में 425 करोड़ की सेल हुई है। देखो यहाँ पर एकदम अच्छी सेल हुई है कंपनी की। और जो नेट प्रॉफिट देखें हम 2022 का देखें, 127 करोड़ हो गया। और जो हम इसका शेयर प्राइस चले हैं 710 चल रहा है, जिसने जो 5 साल के हिसाब से देखे वैसे तो इसका शेयर प्राइस आया 2021 में, उस टाइम से इसने 24% का रिटर्न दिया है। जो 1 साल के हिसाब से देखे हम 21% का रिटर्न दिया इसने। और जो देखिए कंपनी का प्राइस शेयर बढ़ ही रहा है अभी। अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर है, लॉन्ग इन्वेस्टर तो इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट 1-3% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि इसको बढ़ा ही रही है देखा जाए तो। वाले टाइम में मल्टीबैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है, जिससे आपसे ये कंपनी का बिजनेस चल रहा है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना देना। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, और कुछ नहीं है दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है।